ने जब पूछा कि वो नंबर कौन सा था जिससे चेरी फोन करती थी, तो छलावा ने अपना मोबाइल निकाला और वो नंबर ढूंढने लगा। तभी ध्रुव बोला, क्या मैं भी इस सुमेर के चक्कर में लगता है मैं भी कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। अरे भाई, तेरे कॉल लॉग में जो भी इंटरनेशनल नंबर होगा वही चेरी का नंबर होगा। इतना कहकर छलावा के फोन से ध्रुव उस इंटरनेशनल नंबर को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में वो नंबर उसे मिल गया तो ध्रुव उस नंबर को अपने मोबाइल पर डायल करने लगा। छलावा ने बोला, मेरे मोबाइल में पैसे पड़े हैं, मेरे वाले मोबाइल से ही कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव ने कहा, अरे नहीं नहीं, हो सकता है चेरी ने अपने फोन में तेरा नंबर सेव करके रखा हो, तो इसलिए तेरे नंबर से कॉल नहीं करेंगे। हम किसी अनजान की तरह कॉल कर रहे हैं ना, इसलिए मेरे नंबर से कॉल करना सही रहेगा। ध्रुव ने कॉल मिलाया लेकिन दूसरी तरफ से ना रिंग बजी और ना ही कोई आवाज आई। कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। छलावा ने कहा, क्या हुआ, फोन नहीं मिला? ध्रुव ने कहा, नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन रिंग भी नहीं गई, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने दोबारा से कोशिश की, इस बार रिंग बजने लगी। ध्रुव बोला, लग गया, इसका मतलब मैं सही था, चेरी ने अपना वो नंबर वहीं छोड़ रखा होगा, अब बस कोई फोन जल्दी से उठा ले। लेकिन पूरी रिंग होकर फोन कट गया, दूसरी तरफ से किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। ध्रुव ने लगातार कई बार कॉल किया लेकिन पूरी पूरी रिंग होने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा था। ध्रुव बोला, क्या मजाक है, इतनी रिंग जा रही है, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? छलावा बोला, तुम चिंता मत करो, चलो हम आगे चलते हैं, हो सकता है वो लोग जब देखेंगे कि एक ही नंबर से इतनी मिस्ड कॉल आई है तो खुद वापस फोन कर लेंगे। छलावा की बात पर ध्रुव अपना फोन पॉकेट में रखता हुआ बोला, हाँ अब तो इंतजार ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और क्या उपाय है हमारे पास। ध्रुव ने छलावा के साथ पाली के चप्पे चप्पे को देख लिया था लेकिन कहीं भी उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि उसे ये लगे कि यहाँ पर किसी नकारात्मकता का वास है। छलावा ने कहा, कहीं कुछ समझ नहीं आया, तुम्हें क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? ध्रुव बोला, नहीं यार, मुझे भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया यहाँ। बाइक पर आगे छलावा ने हाँ में सर हिलाया और बगल वाले गांव के लिए अपनी बाइक को घुमा दिया। ध्रुव और छलावा को इसी तरीके से हर गली में घूमते हुए बहुत देर हो गई थी। सुबह के निकले दोपहर होने को आ गई थी। कई बार अनन्या का कॉल भी आ चुका था। अनन्या भी जानने को उतावली हो रही थी। उसने पूछा, आखिर हो क्या रहा है, अभी तक कुछ पता चला या नहीं? इस बात पर ध्रुव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हम इस वक्त पाली की गलियों में घूम रहे हैं? अनन्या ने कहा, वो मैंने विकी को मैसेज किया था तो उसी ने बताया। ध्रुव बोला, ये विकी भी ना, इसके पेट में कोई बात नहीं बचती। उसके बाद भी अनन्या ने कई बार फोन किया, हर बार ध्रुव यही कहता कि उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला। विकी ने भी कई कॉल किए और जानना चाहा कि आखिर हो क्या रहा था। सब चाहते थे कि जल्द से जल्द ध्रुव और छलावा को कुछ पता चले। वैसे तो हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी लेकिन दोपहर के समय धूप इतनी तेज पड़ रही थी कि लगातार धूप में घूमना मुश्किल हो रहा था। छलावा ने आखिर में थक कर कहा, ध्रुव थोड़ी देर कहीं रुक जाएं क्या, बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है सूरज सिर पर ही आ गया है, कहीं रुक कर हाथ मुंह धो लेते हैं और पानी वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, या मैं तो कहता हूँ कि घर चलते हैं, नहीं तो जहाँ जहाँ नहीं गए हैं शाम को होगा तो एक चक्कर और लगा लेंगे, क्या कहते हो? ध्रुव ने कहा, ठीक है ऐसा कर लेते हैं, वैसे भी घूमते घूमते हालत खराब हो गई है। छलावा बोला, हाँ तभी तो, यहीं पास में एक हैंडपंप है, वहां पर ठंडा ठंडा पानी निकलता है, वहां चलते हैं, वहीं पर हाथ मुंह भी धो लेते हैं। छलावा ने जल्द ही अपनी बाइक बगीचे और खेत वाले हिस्से के बीच में जाकर रोकी। ध्रुव ने देखा वहां पर कुछ दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई सारे घर बने हुए थे, वे सभी कच्चे मकान थे। हाथ मुंह धोने के बाद जब उन्हें कुछ अच्छा लगा तब ध्रुव ने पूछा, ये लोग कौन है, गांव से हटकर यहाँ पर इस तरह से क्यों रह रहे हैं? छलावा ने कहा, ये लोग यहाँ के नहीं थे, मतलब कुछ साल पहले ये लोग बाहर से आकर यहाँ बसे थे। ये जहाँ पर उनके घर तुम देख रहे हो ना, यहाँ पर एक टीला हुआ करता था, उस पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं था और इनको भी अपने लिए एक जगह चाहिए थी, तो गाँव वालों ने आपस में बात विचार करके इन लोगों को यहाँ रहने दिया। उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे थे, बीबी माँ बहन सब थी, कहाँ कहाँ भटकते। यहाँ आने से पहले भी ये लोग कई जगह गए थे लेकिन बेचारों को कहीं आसरा नहीं मिला, और अब तो ये मजदूरी भी करते हैं और हिस्सेदारी पर खेतों का काम भी करते हैं, जैसे कि जो लोग गांव में नहीं रहते शहर जाकर बसे हैं। लेकिन यहाँ उनकी बाप दादाओं की खेती है तो उन्हें ये लोग हिस्सेदारी पर रखते हैं और उनसे खेती कराते हैं, फसल उगाते हैं, और जब वो फसल कटती है तो जितना हिस्सा मालिक का हुआ उसको बेचकर मालिक को पैसे भेज देते हैं और अपने हिस्से का अनाज रख लेते हैं, जिससे कि पूरे साल उनके घर का खाना राशन चल जाता है। ध्रुव ने कहा, सच में समाज एक दूसरे से किस तरह से जुड़ा हुआ होता है ना। इतनी देर से धूप में रहने के बाद उस जगह पर चलने वाली ठंडी हवाओं से ध्रुव को बड़ा सुकून मिल रहा था।
वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और आंख बंद करते हुए अपना सिर उसने पेड़ के तने पर टिका दिया। वो चिड़ियों की आ रही चहचहाहट को सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस जगह पर एक अलग तरीके का सन्नाटा फैला हुआ था। ध्रुव को कुछ तकलीफ सी भी महसूस हुई। उसे लगा जैसे वहां उसका दम घुट रहा हो। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और हैरानी से इधर उधर देखता हुआ बोला, कमाल की बात है ना, ये एक बगीचे का हिस्सा है और दूर दूर तक आसपास जंगल भी हैं, लेकिन कहीं से भी एक भी चिड़िया की आवाज नहीं आ रही और ना ही किसी जंगली खरगोश की कोई हलचल है। छलावा ने कहा, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है ना, तो अपने खाने पीने के इंतजाम में लगे होंगे। अब उनके पास हमारी तरह तो भोजन के इंतजाम नहीं होते, तो खा पी के अपने समय से दुबक कर कहीं सो गए होंगे। इतना कहकर छलावा हंस पड़ा, लेकिन ध्रुव उठकर खड़ा हुआ और गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखने लगा। ये देखकर छलावा ने कहा, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? ध्रुव बोला, नहीं छलावा, बात इतनी सी नहीं है कि ये पशु पक्षी भोजन पानी की तलाश में है। यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है। इतना कहता हुआ ध्रुव आगे बढ़ा। छलावा ने कहा, अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? लेकिन ध्रुव ने अपने होठों पर उंगली रखी और छलावा को खामोश रहने के लिए कहा। ध्रुव जैसे जैसे उन कच्चे घरों की तरफ बढ़ रहा था, उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ध्रुव ने वहां की मिट्टी को अपने हाथ में लिया और अपनी आंखों को बंद किया। कुछ सेकंड के बाद जब ध्रुव ने अपनी मुट्ठी को खोला, तब छलावा ने देखा कि ध्रुव ने जिस मिट्टी को उठाया था वो मिट्टी काले रंग में बदल गई थी और उसमें से कीड़े रेंग कर बाहर आने लगे। ध्रुव ने तुरंत उस मिट्टी को छोड़ दिया और बोला, मैंने कहा था ना, उस जगह की नकारात्मकता हमें बताएगी, यही है वो जगह छलावा। अनजाने में ही सही, लेकिन हम बहुत सही जगह पर आ गए हैं। अगर हम सिर्फ गांव में तलाश करते रहते तो हमें ये जगह कहीं मिलती ही नहीं, और अगर हमें प्यास नहीं लगती, धूप से हम परेशान नहीं होते, तो वाकई हम यहाँ तो आते ही नहीं। इन लोगों पर तो हमारी नजर ही नहीं जाती। ये सब कुछ ईश्वर ने किया है, ईश्वर हमें रास्ता दिखा रहे हैं। इतना कहते हुए ध्रुव हाथ जोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। छलावा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अगर किसी गांव में तुम्हें ये महसूस होता तो शायद वहां पर सैकड़ों घर होते, लेकिन ये तो सिर्फ गिनती के ही घर है। अगर यहाँ पर तुम्हें ये महसूस हुआ है तो साफ बात है कि ये वही लोग हैं, और इसीलिए हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि सच बताऊं तो मैंने भी इन लोगों को कभी इतने ध्यान से नहीं देखा। हाँ, ये लोग कभी कभार गांव में सौदा लेने आते जरूर हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा समय अपनी खेती बाड़ी में ही लगा देते हैं। ना तो ये किसी का नुकसान करते हैं, ना कभी लोग इन्हें छेड़ते हैं। खैर, वो जो भी है, इसमें अच्छा ये हुआ कि अब तुम्हें बिना किसी जांच पड़ताल के ही सब कुछ पता चल गया, ध्रुव ने कहा। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से इन लोगों के बारे में पता चल जाएगा। इतना कहते हुए ध्रुव उन घरों की तरफ देखकर आगे बढ़ने लगा। तभी एकदम से कुछ देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा एक घर के बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस क्यारी को बड़े ही प्यार से सजाया गया था और तुलसी का पौधा बहुत घना लग रहा था। ध्रुव बोला, ये क्या चक्कर है? छलावा बोला, क्या मतलब? ध्रुव ने कहा, उस तुलसी के पौधे को देखो, तुलसी का पौधा नकारात्मकता का सबसे पहला गवाह होता है। तुम्हें पता है तुलसी का पौधा हर किसी के घर की स्थिति के बारे में और आने वाले समय की भविष्यवाणी करता है। छलावा बोला, ये तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो ना, भला एक तुलसी का पौधा भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? तुलसी मैया की तो सिर्फ पूजा होती है, औरतें उनमें जल चढ़ाती हैं, और क्या खास है? ध्रुव ने कहा, और वही आस्था उन्हें सतर्क करती है छलावा, जिस जगह पर तुलसी का पौधा हरा भरा और घना रहता है, लहराता रहता है, इसका मतलब ये होता है कि उस जगह पर कोई नकारात्मकता का वास नहीं है। उस जगह पर, उस घर पर, वहाँ के लोगों पर भगवान का आशीर्वाद होता है, और उस घर के बाहर वो तुलसी का पौधा इस बात की गवाही दे रहा है कि इस घर में जो रहते हैं वो धार्मिक आस्था वाले लोग हैं, ना कि ऐसे लोग जो किसी नकारात्मक शक्ति को मानते हो। छलावा कुछ बोलने को ही हुआ कि ध्रुव ने कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, आओ मेरे साथ, मुझे देखने आखिर यहाँ पर रहता कौन है। ध्रुव जैसे ही उन लोगों के घर के नजदीक गया, देखते ही देखते तुलसी जी का पौधा मुरझाने लगा। ध्रुव हैरानी से बोला, ये तुलसी मैया मुरझा कैसे गई, अभी तक तो बहुत हरी भरी थी। तभी फिर एकदम से उसका दिमाग टनटन आया। अच्छा, अब समझ में आया। छलावा बोला, क्या समझ में आया? ध्रुव ने कहा, बताऊंगा, पहले यहां से चलो। इतना कहकर ध्रुव ने छलावा का हाथ पकड़ा और उल्टे पैर वहां से वापस लौट गया। छलावा ने कहा, अरे लेकिन हुआ क्या है, अचानक से हम लौट कर कहां जा रहे हैं? अभी तो तुमने उस घर में मौजूद लोगों से बात भी नहीं की। ध्रुव ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं है, तुलसी मैया के पौधे का पहले हरा भरा होना और बाद में मुरझा जाना, ये सब हमें सतर्क करने के लिए ईश्वर का किया चमत्कार था। मेरे महादेव मुझे सतर्क करना चाहते थे कि चाहे कितनी भी पवित्र शक्ति क्यों ना हो,
तुलसी मैया की तरह इस जगह पर वो मुरझा जाएगा, यानी दूषित हो जाएगी। हमें जो करना है इस जगह से दूर रहकर ही करना होगा, छलावा ने कहा। लेकिन ध्रुव, तुम तो इस जगह की नकारात्मकता को नष्ट कर सकते हो। ध्रुव ने कहा, हाँ छलावा, मैं इस जगह की नकारात्मकता को खत्म तो कर सकता हूँ, लेकिन हमारा उद्देश्य इस जगह की नकारात्मकता को खत्म करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि इन लोगों के भीतर जो काली दुनिया बस चुकी है उसे बाहर निकालना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम जरूरी है हमें वो पहले करना चाहिए। उसके आसपास की जो रूपरेखा है वो जरूरी नहीं होती, इसीलिए उस सब पर समय बर्बाद करना कभी समझदारी नहीं होती। और फिर उसने अपने मन में कहा, इन लोगों की शक्ल तो मुझे देखनी है, लेकिन अभी नहीं। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को कोई शक हो। इनसे मैं इस तरह से मिलूंगा जैसे कोई गलती से किसी से टकरा जाता है।